मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव के मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रचार को और गति देना शुरू कर दिया है। मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी ने महापौर पद के लिए चंदन भट्ट एडवोकेट को प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद लगातार चंदन भट्ट एडवोकेट जनता के बीच पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी के हक में वोट करने की अपील भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के महापौर के पद के प्रत्याशी को लगातार समर्थन भी मिल रहा है। राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुराज नाथ गुरु ने चंदन भट्ट एडवोकेट को समर्थन दिया और एक पत्र भी दिया है, जिसके बाद वाल्मीकि समाज एकजुट होकर साथ रहेगा, जिससे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने क्षेत्रों में पहुंचकर जनसंपर्क किया, नुक्कड़ सभाएं की और अपने हक में वोट करने की अपील की। चीफ इलेक्शन आम आदमी पार्टी पवन अग्रवाल का कहना है कि हर समुदाय का उनके प्रत्याशी को समर्थन मिल रहा है और आम आदमी पार्टी महानगर मुरादाबाद से महापौर पद का प्रत्याशी जीत हासिल करेगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के विकास के मॉडल को मुरादाबाद में जारी किया जाएगा, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने योजना भी तैयार कर दी है। चंदन भट्ट एडवोकेट है और मैं आम आदमी पार्टी से मेयर पद का प्रत्याशी हूं। आज आपने कहां का जनसंपर्क किया? जी, आज हमने सड़कों पर किया है, उसके अलावा वार्ड 33 में बहुत ज़्यादा जमक हमने लोगों से संपर्क किया है। वार्ड 51 में भी जमाल भाई के साथ हमने यहाँ पर जनसंपर्क किया। अच्छा, आपके आगे की प्रगति क्या है, किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है? देखिए, जनता का समर्थन तो हमारे पास पहले दिन से ही है, बहुत ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है और आज हम आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना ने, जो उनके अध्यक्ष है ऋतुराज नाथ गुरु जी, उन्होंने समर्थन पत्र जारी किया है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपका मुकाबला किन से है? देखिए, हमारा मुकाबला भ्रष्टाचारियों से और कामचोर लोगों से है, जिन्होंने पिछले 12 सालों से खूब काम चोरी करी, खूब भ्रष्टाचार करा और जनता का खूब शोषण करा और पब्लिक धन का, लोक धन का खूब दुरुपयोग किया है। तो आपको क्या लगता है कि आपका मतलब जो है किस पार्टी से मुकाबला होने जा रहा है? देखिए, हमारा हम है सिर्फ जनता से कनेक्ट करना है और जनता को खुद पता है कि वो किन भ्रष्टाचारियों के बीच में फंसी हुई है। सर, आपका नाम क्या है? मैं ऋतुराज नाथ गुरु। आप आखिर किस संस्था से जुड़े हैं? हम लोग राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना से जुड़े हैं। तो क्या आपने किसी को समर्थन दिया है? हाँ, हमने आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री चंदन भट्ट जी